इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आपको अहमदाबाद के एक और मुस्लिम बहुल इलाके दानिल इमड़ा की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ तीन महीने के दौरान 5,341 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन इनमें से सिर्फ 505 लोग ही लोकल हैं। इस बीच प्रशासन ने मुसलमानों में फैले डर को दूर करने के लिए एनजीओ की मदद ली है। मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को समझाने के काम में लगाया गया है। समग्र समाज ने अपील करी है कोरोना वैक्सीन लई हालनी आ कोरोनानी महामारीमां आपणे आपणा परिवारने आपणा मोहल्लाने आपणा शहेरने आपणा देशने कोरोनाथी मुक्त करीए एवी मारी खास अपील छे। और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में समझाने बुझाने का असर दिखा। जुहूपुर इलाके में वैक्सीनेशन में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी बढ़ी है। प्रशासन अब स्थानीय उलेमाओं और मस्जिदों के मौलाना और लोकल लीडर्स की मदद ले रहा है। पहले लोग मैसेज गलत गलत छोड़ते थे फोन में, तो उससे थोड़ा डर था हमारे को कि भाई ये वैक्सीन लेंगे तो मर जाएगा इंसान, ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। लोगों में थोड़ा पहले फियर था तब के कोई साइड इफेक्ट्स, मेजर साइड इफेक्ट्स के लिए बहुत फियर था पहले, बट जैसे ही वैक्सीन आगे बढ़ता रहा तब पता चला कि मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इसलिए फिर अभी पब्लिक आगे आ रही है वैक्सीन लेने के लिए। अहमदाबाद के जोहापुरा इलाके में स्थित संकलित नगर अर्बन हेल्थ सेंटर जैसे कुछ वैक्सीन सेंटर ऐसे भी हैं जहां पे अब धीरे धीरे माइनॉरिटी कम्युनिटी का वैक्सीनेशन बढ़ भी रहा है। इस सेंटर में हमें बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से करीब 40% जो बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं। पहले के मुकाबले जैसे जितने टोटल बेनिफिशरीज आते थे उसमें वी कुडंट हैव मोर ऑफ द लोकल मुस्लिम बेनिफिशरीज। यहाँ के जो लोकल रिलीजियस लीडर्स हैं, जो मौलानाज हैं, जो मस्जिदिस हैं, मदरसास वगैरह हैं, वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट किया था, उनको हमने कन्विंस किया और उन लोगों का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समाज में कंफ्यूजन और खौफ सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं, देश के ज्यादातर शहरों में यही हाल है। और तो और दिल्ली के कई इलाकों में भी वैक्सीन को लेकर मुसलमानों में वैसा जोश नहीं दिख रहा। हालत यह है कि मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा, तकरीर की जा रही कि वैक्सीन लगवा लो, कोरोना रोकने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। आज हमारे संवाददाता सैयद नजीर दिल्ली में जाफराबाद इलाके की मदीना मस्जिद गए। इस मस्जिद के इमाम ने वैक्सीन की डोज ले ली है, अब वो दूसरों से भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपील कर रहे हैं। जो लोग अब तक वैक्सीन से डर रहे थे, अब उनकी भी समझ में आने लगा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। जी हाँ, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई और मैं अपने अंदर बहुत इसके मजबूती पा रहा हूँ। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि हुकूमत का जो कानून है उस कानून का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर हम लगवाएं। हमारे बड़े इमाम ने ले लिया, लोगों ने ले लिया, तो हमारे को कहाँ बात का डर, मरना तो है ही एक ना एक दिन, वैक्सीन से मरें अल्लाह ले ले, लगवा लेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद की तरफ से तो लोगों को बराबर जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन कुछ हजरात हैं जो इस पे जो है एतराज़ भी कर रहे हैं कि इससे क्या बेनिफिट है, क्योंकि आए दिन जो है मीडिया वाले इसके बारे में कहते रहते हैं कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये वैक्सीन में पानी है, तो इससे जो है लोगों का भ्रम और टूट गया है इससे। तो इसी वजह से कुछ लोग हैं जो इस पे एतराज़ भी करते हैं, लेकिन हमारे तरफ से बराबर यह है कि वैक्सीन लगवाएं, इसमें फायदा है। और वैक्सीन को लेकर इटावा के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।